क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एट मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर द थर्टी डिग्री एंड ए फोर्टी फाइव डिग्री रेस्पेक्टिवली तो यहाँ देखो इस फिगर में हमें दो बिल्डिंग दे रखी है तो एक तो ये बिल्डिंग है ई डी जिसकी हाइट दे रखी है एट मीटर अगर ये ED एट मीटर है तो BC भी कितना हो जाएगा एट मीटर एक तो ये बिल्डिंग दे रखी है दूसरी है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तो ये ए से लेके सी तक एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमने सपोज की है एच अब ये देखो वो क्या कर रहा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के टॉप वाले हिस्से को देखेगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है थर्टी डिग्री का ऐसे इस मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से लेके वो जब बॉटम वाले पार्ट को बिल्डिंग के देखेगा तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है फोर्टी फाइव डिग्री अब ये देखो ये जो थर्टी डिग्री है ये इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है इसी की वजह से ये जो ई वाला एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री ऐसे ही ये जो 45 डिग्री है ये भी इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है इसकी वजह से ये जो डी वाला एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ पे देखो फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक तो यहां से लेके ए से लेके सी तक की हाइट फाइंड करेंगे उसको तो मैंने पहले सपोज किया है एच है एंड ए डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग ये एक बिल्डिंग है यहां से लेके ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो इस डिस्टेंस को हम ले लेंगे एक्स तो यहाँ देखो अगर ये जो BC है वो एट मीटर दी है AC हमें एच दी है तो AB कितना हो जाएगा वो हो जाएगा एट माइ एच माइनस एट तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ट्राइंगल ए बी e, तो ट्रायंगल ले लेंगे ए बी e, में तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है इसमें ई e, बी तो परपेंडिकुलर जैसे मैंने लिया है ए बी ए बी हमें कितना दे रखा है एच माइनस एट और ये जो ई e, बी है ई e, बी क्या है वो सेम पैलर है डीसी के अगर डीसी एक्स दी है तो ईबी भी, भी कितना हो जाएगा ये भी एक्स हो जाएगा तो इसको ले लेंगे अपोन एक्स तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है वन अपोन अंडरू थ्री इज इक्वल टू एच माइनस एट अपॉन एक्स तो अभी तो ये मैं यहां पे ही छोड़ रही हूं अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी इसमें पुट करके हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दूसरी ट्रायंगल ले, ले लेंगे ए डी सी तो ट्रायंगल ए डी सी तो उस 45 डिग्री इक्वल टू तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री था ए सी अपॉन डी सी के ए सी पर पेंडिकुलर है और डी सी क्या है बेस तो ए सी कितना दे रखा है एच अपोन डीसी कितना है एक्स तो फोर्टी फाइव का जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है टेन फोर्टी फाइव वन तो इक्वल टू एच अपोर्न एक्स तो एच कितना हो जाएगा एच इक्वल टू एक्स तो अब क्या करेंगे ये जो हमने वैल्यू निकाली थी ये मैंने अभी यहाँ पे छोड़ रखी थी ये वाली वैल्यू इस वैल्यू में ये वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ इसको वन दे देते हैं इसको टू लिखते हैं पुट एच इज इक्वल टू एच इन ए वन तो वहां पर पुट करेंगे तो वन अपॉन अंडरू थ्री इज इक्वल टू एच माइनस एट अपॉन एच तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा एच इक्वल टू अंडरू थ्री एच माइनस एट तो एच इक्वल टू अंडरू थ्री एच माइनस एट अंडर थ्री तो यहाँ देखो ये दोनों एच की टर्म है तो इसको साथ में ले लेंगे तो रूट थ्री एच इसको अंदर ले जाएंगे तो ये लेफ्ट में था राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा तो इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एट अंडर थ्री इज इकल टू एच कॉमन अंडरू थ्री माइनस वन तो एच की वैल्यू कितनी आई ये आ गई एट अंडर रूट अंडर रूट थ्री माइनस वन अब यहाँ देखो ये जो डिनोमिनेटर है उसमें तो अंडर रूट आ गया है तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से तो ये माइनस का है तो प्लस से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एट अंडर रूट थ्री अंडर रूट वन तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी तो वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर तो ए स्क्वेयर कितना है यहाँ पे अंडर रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर तो ये आ जाएगा एट अंडर रूट थ्री अंडर रूट प्लस वन तो थ्री या अंडर रूट थ्री को टू टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा थ्री माइनस वन तो इसको सॉल्व करेंगे तो एट अंडर अंडर वन अपॉन टू क्योंकि थ्री में से वन निकाले कितना हो गया टू अब क्या करेंगे ये टू को इस फोर एट से कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आया फोर रूट थ्री अंडर प्लस वन अब यहां देखो ये जो वैल्यू आई फोर अंडरू थ्री अंडर थ्री प्लस वन तो ये तो हमारी हाइट निकल आई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की मतलब ए सी निकल आया हमारा फोर अंडर अंडर थ्री प्लस वन तो इसको आप क्या करेंगे अब ये जो वैल्यू है हम इसमें भी पुट कर देंगे ये सेकंड वाले में ताकि हमें डिस्टेंस पता चल जाए दो बिल्डिंग्स का ये जो एक बिल्डिंग थी दूसरी मल्टी स्टोरेज का जो डिस्टेंस था वो कितना दे रखा है एक्स तो एच किसके इक्वल है एक्स के तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू आई वो भी कितनी आ गई यही आ जाएगी फोर अंडरू थ्री अंडर थ्री प्लस वन